इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा ज़िले के यहाँ पाम मॉल के समीप टीपी नगर में, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। सड़क पर आइए, आप सड़क पर आप आइए, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप यहाँ दिखाइए। ये देखिए, इस सड़क के बीचों बीच एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, यहाँ यत्र तत्र वाहनों को खड़ी कर दी गई है। अब यदि उधर से गाड़ी कोई आती है तो इन गाड़ियों में टकराएगी। सीधा रहिए आप, सीधा सीधा रहिए, और ये दिखाइए आप, ये कहाँ पर हम हैं, सड़क कहाँ पर है, सड़क का लाइन कहाँ पर है, ये है सड़क। और हम दोष देते हैं निगम को कि सड़कें नहीं बन रही हैं, सड़कें चौड़ीकरण नहीं हो रही हैं। सड़कें जब बनती हैं तो हमारे जैसे यहाँ पर कुछ समझदार लोग सड़कों को अपनी वाहन से भर देते हैं। यदि इन वाहनों से कोई टकरा कर गिर जाता है और वो चोटिल हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो मूर्खता जैसे यहाँ वाहनों को खड़ी कर दिया गया है वह जिम्मेदार है, या जो यह इसके यहाँ पर जो संचालित कर रहा है व्यवसायी वह प्रतिष्ठान वह जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने किसी को समझाइश नहीं दी, या फिर विभाग संबंधित यातायात विभाग जिन्होंने यहाँ पर आकर कार्रवाई नहीं की? तो आखिर सब की अपनी जिम्मेदारी है, जो कहीं ना कहीं सभी, चाहे वह नागरिक हो, संबंधित विभाग हो, व्यवसायी हो, या व्यवसायिक प्रतिष्ठान में आकर वह ग्राहक ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं सभी अपने अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए इस तरह के कृत्य को छोड़ें। और जो सड़कों पर लगातार जाम की स्थिति होती है, निर्मित होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, उससे हम निजात दिलाया जा सके। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर सड़कों पर जाम लगा कर यहाँ पर यातायात नियमों को जो है, क्या नाम है आपका भैया? संतोष कुमार भैया। संतोष भैया, यहाँ पर क्या करते हैं आप? बस यही रोजेट चल रहा है भैया। ये जो सभी समोसा और ये जो भी चाट आपके खा रहे हैं, इन ग्राहकों को आज से आप निवेदन करेंगे कि भैया सड़कों पर कृपया गाड़ी ना। हाँ भैया, मैं तो बोलते ही रहता हूँ लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपकी ग्राहकी भी ना टूटे। नहीं नहीं बिल्कुल भैया, यह जिम्मेदारी सिर्फ एक पत्रकार और यातायात विभाग और निगम विभाग की नहीं है, यह जिम्मेदारी आप सबों की। नहीं बिल्कुल, मेरा ही है कि आपका भी, सबका भी है मेरा। मुझे क्यों नहीं लगता, मुझे क्यों नहीं लगता कि आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को? देश हमारा है ना। हाँ बिल्कुल सर जी, हाथ जोड़ कर निवेदन कल से आप करेंगे। हाँ भैया बिल्कुल, और मैं इनसे अभी फिलहाल आपके सामने निवेदन करूंगा। हाँ। उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हाँ, इनको सिखाएंगे, हो सकता है कि इनको पता नहीं होगा। यदि अभी यातायात विभाग को मैं बुलाकर इन सबों पर कार्रवाई कराऊं तो इनको दुख लगेगा। बिल्कुल सही बात है ना, सड़क पर कोई आएगा और अचानक अंधेरे में गाड़ी से टकरा जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? अब क्या है भैया जिम्मेदारी, वही बात है, मैं बोलता हूँ बड़े भैया सबको मना कर दो, किनारे कर देखो, आराम खाइए आप लोग, जाइए। बिल्कुल कल फिर आऊँगा, थोड़ी सी जहमत उठाएं आप सब। ये जो स्वाद लेकर आप खा रहे हैं ना, हैं ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? ये आप घर पे हैं? आप घर पे हैं? आप ये घर है आप सबों का? रोड पे आप गाड़ी यदि खड़ा करेंगे तो यहाँ पर रोड है, और रोड गाड़ी खड़े करने के लिए नहीं है, यह सड़क गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं है। आप लोग, आप क्या नाम है आपका? रिकॉर्ड मत करो। क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र होगी आपकी? गाड़ी पहली बार कौन बना हमारी है? हाँ नहीं नहीं, आपकी क्या उम्र होगी? क्यों बताऊँ, क्यों बताऊँ मैं आपको? अगर आप एडल्ट नहीं होंगे तो आपका रिकॉर्ड नहीं करूँगा, इससे पूछ रहा हूँ। नहीं है ना, इससे पूछ रहा हूँ। यह गाड़ी किसकी है? यह गाड़ी किसकी है? यह गाड़ी किसकी है? यहाँ पर संबंधित यातायात विभाग को ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ही लापरवाह वाहन चालक जो कि यत्र तत्र सड़कों पर गाड़ी खड़े कर देते हैं जिससे दुर्घटनाएं निर्मित हो सकती हैं। देखिए यह वाहन कहाँ खड़ी है, इधर से ये दिखाइए, इधर से ये दिखाइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए ताकि ये गाड़ी दिख सके। यार पुरुषोत्तम, आप यहाँ दिखाइए, ये देखिए, अगर यह गाड़ी आप सड़क के बीचों बीच खड़ी कर देंगे तो यातायात करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? क्या वो उनका अधिकार नहीं है कि सड़कों पर जो है वह बेहतर तरीके से चल सके और सुरक्षित रह सके? सुरक्षित रहने का और रखने का जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हम सबों की है। यदि हम अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं तो यह समाज नहीं सुधरने वाला, क्योंकि यह समाज, यह देश हमारा है, उसे सुधारने की जिम्मेदारी, उसे बेहतर रखने की जिम्मेदारी, स्वच्छ सुंदर रखने की जिम्मेदारी हम सबों की है। आइए एक संकल्प लेते हैं और क्षेत्र को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। हम पाम मॉल तक भी चलेंगे और वहाँ तक की स्थिति को हम दिखाएंगे। फिलहाल हमने
कुछ व्यवसायियों से निवेदन किया है और उनसे यह आग्रह किया है कि वे अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझें और किसी प्रकार के वाहन यदि वो सड़कों पर खड़ी करते हैं तो वे नहीं करेंगे, और उन्होंने हमारी समझाइश को माना भी है। इसके अलावा आपने देखा कि हमने कई लोगों को समझाइश दी है और वे समझे हैं और अपनी वाहनों को सड़क से दूर खड़ी करके जो है यहाँ से वे निकल गए। तो किंतु वे क्षणिक मात्र के लिए यदि ये समझते हैं तो व्यवसायियों को भी समझाने की आवश्यकता है। यदि हम समझाते हैं और समझ जाते हैं तो आप व्यवसायी भी उन्हें समझाइश दें और वाहनों को सड़कों पर खड़ा करने ना दें। यदि आपके प्रतिष्ठान के सामने वाहन खड़ी होती हैं तो सर्वप्रथम जिम्मेदारी आपकी बनती है, उसके बाद ग्राहक की बनती है और उसके बाद संबंधित विभाग और यातायात विभाग की भी बनती है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।